और मंच पर और सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधियों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है ये मेरी शक्ति बनेगा। और निश्चित रूप से जो मंच ने आज मुझे चेतावनी दी, जो मुझे सावधान किया, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आशीर्वाद से और निश्चित रूप से मैं उन कामों को करने में अपना खून पसीना बहा दूंगा, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दूंगा। ऐसे तो मैं भाषण देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन चूंकि औपचारिकता पूरी करनी है इसलिए मुझे कुछ बातें हिम्मत करके बोलना है आप सबके सामने। देखिए, डबल इंजन की सरकार है हिंदुस्तान में। ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है जिन्होंने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया और देश के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत का परचम बढ़ाया, परचम लहराया, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के वो दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विश्व गुरु का भारत को दर्जा दिलाने के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। किसी प्रकार की कसर वो छोड़ने वाले नहीं है। ये हम सबको पता है कि आप सबने भी बहुत मेहनत करी और उसके कारण से आज हम भारत में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाने में कामयाब रहे। मोदी जी ने क्या किया ये आप सबके सामने है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उतरने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को घर देने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यवान बने, मजबूत बने और दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार से भारत के नागरिक का मस्तक नीचा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का काम उन्होंने किया है।